प्रश्न एक, एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज बनाएं, जबकि पहला में है एबी बराबर 4 सेंटीमीटर, एसी बराबर 7 सेंटीमीटर तथा एडी बराबर 3.6 सेंटीमीटर। तो प्रश्न पहला का पहला में क्या बनाना है हमें, एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज बनाना है। तो एबी कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो ए बी 4 सेंटीमीटर है, तो पहले हम एक रेखा, सीधी रेखा बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है, एक सीधी रेखा यहाँ पे बना लेंगे। अब कह रहा है 4 सेंटीमीटर, ए बी कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हम परकाल में नाप लेते हैं इस तरह से, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। देखिए ये कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर। तो अब हम रेखा के बाईं छोर पे रखेंगे और एक बार काट लेंगे, तो ये हो गया ए बी, ए बी कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब दिया हुआ है ए डी, देखिए ए डी कितना है, ए डी दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर। तो पहले हम 3.6 सेंटीमीटर नाप लेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 3.6 सेंटीमीटर। देखिए 3.6 सेंटीमीटर। तो ए डी यानी ए पे रखेंगे और इस तरह से काट लेंगे, ए डी हो गया। तो समानांतर चतुर्भुज में सामने का भुजा यानी सम्मुख भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो ए डी 3.6 सेंटीमीटर है, तो बी डी भी 3.6 सेंटीमीटर होगा। तो B पे भी रख के हम एक चाप इस तरह से बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा यानी सामने का भुजा बराबर होता है। तो जब AD है 3.6 सेंटीमीटर, तो BD भी 3.6 सेंटीमीटर होगा, इसलिए दोनों पे देखिए हम चाप बना लिए हैं। अब AC कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, तो AC हम नाप लेते हैं 7 सेंटीमीटर। देखिए AC कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम 7 सेंटीमीटर नाप लेंगे। देखिए तो AC हो गया 7 सेंटीमीटर, यानी A पे रखेंगे परकाल को और देखिए इसको काट लेंगे। तो ये देखिए इसको हम यहाँ तक और आगे बढ़ा देंगे। अब दोनों जहाँ पे मिल रहा है AC और BD, वहाँ पे क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे हम C लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। अब इसको मिला लेते हैं, तो जितना AD होगा उतना ही BC होगा, माफ़ कीजिए, जितना AD होगा उतना ही BC होगा, ठीक है। BD तो विकर्ण हो गया, ठीक है, बी डी क्या हो गया, विकर्ण हो गया, और ए सी भी विकर्ण हो गया इस समानांतर चतुर्भुज का। तो देखिए बी डी तिरछा होगा और ए सी भी तिरछा होगा, यानी विकर्ण हो गया ए सी और बी डी। तो समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होता है, यानी ए डी जितना होगा उतना ही बी सी होगा, हम बी डी बोल दे रहे थे, माफ कीजिएगा। तो जितना ए डी होगा उतना ही बी सी होगा, क्योंकि सम्मुख भुजा यानी सामने का भुजा बराबर होता है। तो देखिए ए सी और बी सी जहाँ पे मिलेगा, तो बी सी कहाँ से आया, क्योंकि ए डी दिया हुआ है, तो ए डी और बी सी बराबर होगा, ए डी और बी सी देखिए सम्मुख भुजा है, तो ए डी कितना दिया हुआ है, 3.6 सेंटीमीटर, तो बी सी भी 3.6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर होता है समानांतर चतुर्भुज में, और ए सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए बी सी और ए सी जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे सी लिख देंगे और इसको मिला देंगे। अब बी सी और ए सी को मिला देते हैं, बी सी और ए सी को मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया BC और AC, तो BC कितना हो गया,
3.6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी 3.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो BC दिया हुआ नहीं है लेकिन AD दिया हुआ है, तो AD और BC दोनों बराबर होगा क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होता है, ये हमेशा याद रखना है। अब देखिए, अब क्या दिया हुआ है हमें, तो अब तो कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो AB जितना होगा उतना ही CD होगा। देखिए AB के सम्मुख भुजा CD होगा, ठीक है, यहाँ पे D आएगा कहीं ना कहीं, तो AB के सम्मुख भुजा कौन होगा, CD, तो AB कितना है 4 सेंटीमीटर, तो CD भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो CD हम नाप लेते हैं 4 सेंटीमीटर इस तरह से, CD कितना नाप लेते हैं 4 सेंटीमीटर। देखिए या तो यहाँ पे भी रख के हम नाप सकते हैं, देखिए क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी आप रख के नाप सकते हैं, नहीं तो स्केल से भी इस तरह से, क्योंकि इसी के बराबर होगा CD, ठीक है, तो C पे रखेंगे परकाल को, परकाल को C पे रखेंगे और एक चाप बना लेंगे इस तरह से, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब BC, तो जितना BC होगा, ये तो दिया हुआ है, AC कितना दिया हुआ है, ये माफ़ कीजिए AD कितना दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर, तो AD और BC बराबर होगा क्योंकि सम्मुख भुजा है, तो इसको नाप लेते हैं, तो देखिए ये कितना हो गया 3.6 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे परकाल को रखेंगे A पर और इस तरह से काट लेंगे, ठीक है, तो ये देखिए इसको और आगे बढ़ाना होगा 4 सेंटीमीटर को, तो इसको नाप लेते हैं फिर से इसको नाप लेते हैं और परकाल को यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से काट लेंगे। अब दोनों जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे स्केल को रखेंगे और इसको मिला देंगे इस तरह से, और यहाँ पे क्या लिख देंगे D, A B C D। अब सी डी को मिला लेते हैं, तो ये हो गया ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे, तो क्या क्या दिया हुआ था उसको हम लिख लेते हैं, तो ए डी दिया हुआ था 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है, ए डी दिया हुआ था और ए बी दिया हुआ था, तो ए बी और सी डी बराबर होगा, तो ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ए सी कितना दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर, ए सी कितना दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे दो भुजा और एक विकर्ण दिया हुआ था, तो दो भुजा और एक विकर्ण से इस तरह हम समानांतर चतुर्भुज की रचना करेंगे। तो समानांतर चतुर्भुज में हमेशा याद रखना है कि सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है, यानी सामने का भुजा, देखिए ए बी 4 सेंटीमीटर होगा तो सी डी भी 4 सेंटीमीटर होगा, यानी सामने का भुजा बराबर होता है, ए डी और बी सी दोनों बराबर होगा, उसी तरह ए बी और सी डी क्या होगा, बराबर होगा। तो जब दो भुजा और एक विकर्ण दिया हो तो इस तरह से हम समानांतर चतुर्भुज की रचना करेंगे, यानी आसन्न भुजा, देखिए दो भुजा में आसन्न भुजा दिया हुआ था, ए बी और ए डी दिया हुआ था, तो ए बी जब दे दिया तो सी डी का भी मालूम चल गया क्योंकि सी डी भी 4 सेंटीमीटर होगा, और जब ए डी दे दिया तो बी सी भी मालूम चल गया कि 3.6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है समानांतर चतुर्भुज में, तो इस तरह इसको हल करेंगे।